सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मेरठ पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध गांजे की खेप को पकड़ने में सफलता हासिल करते हुए 3 शातिर अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। सूचना प्राप्त होने पर उड़ीसा प्रांत से बागपत जनपद के बड़ोत में मिनी ट्रक के माध्यम से भारी मात्रा में अवैध गांजा कुछ दिन पूर्व लाया गया था, जिसमें से काफी मात्रा में गांजा मेरठ आना है। मुखबिर की सूचना पर आरटीओ तिराहा के पास 3 अभियुक्त पंकज उर्फ पेंटर, शहजाद और फिरोज को एक स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 21 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त अवैध तरीके से बाहर से गांजा लाकर शहर के विभिन्न इलाकों में सप्लाई करते थे, जिनका आपराधिक इतिहास तलाश किया जा रहा है। मेरठ से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। गांजा पकड़ा गया है 21 किलो 600 ग्राम, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम क्रमशः शहजाद, फिरोज और पंकज हैं। बड़ौत में कैंटर से लाया जाता था, जिसके लिंक मूल रूप से उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। इसमें एक कनेक्शन संभल का भी निकल के आ रहा है, जिस पर काम किया जा रहा है, और कई जानकारियाँ मिली हैं कि शहर में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों से ये जुड़े रहे, इसकी जानकारी मिली है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें जो संलग्न लोग रहे हैं, शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और माल की बरामदगी भी की जाएगी। ये पता चला है कई सालों से लोग काम करते थे और बड़े पैमाने पर ये खेप उतरती थी, जो संभल को सेंटर बना के फिर वहाँ से कैंटर और तमाम वाहनों से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था जगह जगह पे। तो इसमें कई हैंड्स हैं, जो मेन हैंड है वो सामने नहीं है, लेकिन नाम पता चला है। इसमें बहुत विस्तार में जाके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस टीम प्रभावी तरीके से इसमें कार्य करेगी। कितनी कीमत बताई जा रही है? लगभग 10 लाख रुपए की कीमत इसकी है। और क्या ये स्कूल्स के बाहर, इंस्टीट्यूशंस के बाहर क्या कोई चेकिंग अभियान भी आप इस तरह से चलाएंगे, क्योंकि युवाओं को नशे की गिरफ्त में लेने के लिए ये पूरा नेटवर्क ये काम कर रहा है? समय समय पर हमारा चेकिंग का अभियान चलता रहता है। और इसमें अभी थोड़ा सा इसको और विस्तार देते हुए, हॉस्टल और जो इस तरह के पेइंग गेस्ट के लोग रखते हैं, इस तरह की जगहों पर भी हम इस पर काम करेंगे। अभी कम पैमाने पे काम होता था, इसको और हम विस्तार देंगे। इसमें कितने अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और क्या क्या बरामद हुआ? इसमें जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जिनके नाम भी मैंने आपको बताए थे, दोहरा देता हूँ फिर से, पंकज, शहजाद और फिरोज। एक स्कूटी मिली है, 21 किलो 600 ग्राम गांजा मिला है, जो बड़ौत में एक कंटेनर पर उतारा गया था, कई लोगों को बांटा गया। ये इनके खरीदारी इनके द्वारा किया गया था, जो अभियुक्तों के नाम मैंने बताया, यहाँ से लाए। इसके तार जैसा मैंने आपको बताया, रिपीट कर दे रहा हूँ, संभल में मिला, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसके तार बेसिकली मूल रूप से जो ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ शुरुआत हो रही, वो है उड़ीसा। हाँ, जैसा मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि इस पर हमारी टीम काम कर रही है, उड़ीसा तक जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वहाँ तक हम जाएंगे, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करेंगे।